The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome to today's class. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं circulation of body fluids. ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? हमारे circulatory system, human circulatory system. And human circulatory system is again part of human anatomy and physiology, है ना? Human anatomy and physiology. So anatomy क्या हुई? Structure. तो हम circulatory system में जो भी organs involved है उसका structure देखेंगे. Physiology मतलब इनका function. तो हम structure and function दोनों ही देखेंगे in human का circulatory system समझेंगे आज के लेक्चर में. ओके, सो कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है? व्हाट इज ब्लड? सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. वी ऑल नो दैट ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू. टोटल कितनी टिश्यूज हमने पढ़ी है, कितनी टिश्यूज होती है? तो एक तो होती है कनेक्टिव टिश्यू जो कि ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यू. ओके, सो कनेक्टिव टिश्यू के अलावा और कौन कौन सी टिश्यू होती है? एपिथेलियल. ओके, कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, एपिथेलियल टिश्यूज होती हैं, एंड इसके अलावा नर्वस टिश्यू होती हैं. नर्वस टिश्यू और एक टिश्यू जिसे हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू. सो ये चार तरीके के टिश्यूज हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. सो जिसमें से कनेक्टिव टिश्यू क्या है? हमारा ब्लड है. ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, बचपन से पढ़ रहे हैं हम, राइट? सो ब्लड क्या है? इट इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. सो कनेक्टिव टिश्यूज में भी कई सारा सेग्रीगेशन है. तो इसमें स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है दैट सर्क्यूलेट्स इन द प्रिंसिपल ऑफ वैस्कुलर सिस्टम. वैस्कुलर सिस्टम्स क्या है? ह्यूमंस में क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स में रन करता है, है ना? वी डू हैव पाइप्स. आप ये कह सकते हो आपकी पूरी बॉडी में पाइपलाइन बिछी हुई है जिसके थ्रू जो ब्लड है वो सर्क्यूलेट होता है आपकी पूरी की पूरी बॉडी में. हमें ये भी पता है कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करता है. ऑक्सीजन कैरी क्यों करता है? हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन कैरी करता है, राइट? सो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है. ऑक्सीजन की ज़रूरत हमको हर एक सिंगल सेल में पड़ती है. हमने पढ़ा है ना कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स. तो हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. और ये जो ऑक्सीजन है किसके साथ सर्क्यूलेट होता है? ब्लड के साथ सर्क्यूलेट होता है. एंड इसे सर्क्यूलेट करने में आपकी पूरी बॉडी में पाइपलाइंस बिछी हुई जिसे हम कहते हैं वैस्कुलर सिस्टम. वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में ही रन करता है. आपकी पूरी बॉडी का जो पाइपलाइन है दैट इज वैस्कुलर सिस्टम. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी वेसल्स में रन करता है. डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो भी वेसल्स में रन करता है. तो वेसल्स, कैपिलरीज, ये सारी जो चीज़ें हैं, दिस इज योर लाइक नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ऑफ लाइक फॉर योर फ्लूइड सर्क्यूलेशन. सो सिर्फ ब्लड ही फ्लूइड नहीं है, प्लाज्मा भी है, लिम्फ भी है, सीरम भी है. सो इन सभी की जो सर्क्यूलेशन है वो कैसे होता है? वैस्कुलर सर्कुलेशन होता है, वैस्कुलर सिस्टम होता है. तो अपने लोअर ऑर्गेनिज्म में देखा है, है ना? लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या देखा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो ब्लड है वो रन नहीं करता पाइप्स में, है ना? उनके पास वैस्कुलर सिस्टम नहीं होते, वेसल्स नहीं होते, कैपिलरीज नहीं होते. तो उनकी बॉडी में ऐसा, उनकी बॉडी कैविटी में ही ब्लड होता है. बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं है. ह्यूमंस में कैपिलरीज है, बिल्कुल मैकेनिज्म है. सबसे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स वो ह्यूमंस ही होते हैं, है ना? तो हमारे पास वैस्कुलर सिस्टम है. एंड अदर वर्टिब्रेट्स कंसिस्टिंग फ्लूइड मैट्रिक्स, और दूसरे भी वर्टिब्रेट्स जिनके पास फ्लूइड मैट्रिक्स होता है लाइक प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स. सो जो ब्लड है जिसे हम कहते हैं होल ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ऑल द ब्लड सेल्स. जिसे हम कहते हैं जो हमने भी पढ़ा है कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये सेल्स होती है. दिस इज सेल्स, नथिंग बट सेल. सेल है ना? सो व्हाइट ब्लड सेल्स भी होती है, रेड ब्लड सेल्स भी होती है अलॉन्ग विथ प्लाज्मा. हम इसे कहते हैं ओवरऑल ब्लड. ठीक है, सो ब्लड जो है इट कंसिस्ट टू पार्ट्स. ठीक है, एक तो आप सेल्युलर पार्ट समझो. सेल्युलर पार्ट इज योर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स वाला पार्ट. तो सेल्युलर पार्ट. ठीक है, दिस इज सेल्युलर पार्ट. सो ये आपका ब्लड हो गया. प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जब आप ब्लड सेल्स हटा दो, ठीक है, जब अगर आपके पास ब्लड है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ब्लड सैंपल है, अगर आप उसमें से माइनस कर दोगे ब्लड सेल्स को, ब्लड सेल्स मतलब रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, जब आप इनको रिमूव कर दोगे तो जो बच गया वो कहलाता है प्लाज्मा. जो रेसिड्यू आपके पास बच गया दैट इज प्लाज्मा. एंड इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विच हैव
स्ट्रॉ कलर, येलोविश कलर, या आप ये कह सकते हो स्किन कलर. इट इज़ अ विस्कस फ्लूइड, ऑफ कोर्स ये विस्कस फ्लूइड है एंड 90-92% वाटर कंटेन करता है ये. 6-8% इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स में कौन से प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन, यस एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन, ये सारे प्रोटीन्स होते हैं आपके प्लाज्मा में. नाउ टॉकिंग अबाउट लिम्फ, लिम्फ भी एक लिक्विड मटेरियल है जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट होता है. दैट इज अ येलोविश स्लाइटली अल्कलाइन कोएगुलेबल टिश्यू फ्लूइड. ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का टिश्यू फ्लूइड है दैट कंटेन्स वाइट ब्लड सेल्स ओनली. वाइट ब्लड सेल्स को हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स, राइट. लिम्फोसाइट्स किससे, वाइट ब्लड सेल्स में सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट्स, यानी वाइट ब्लड सेल्स को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स में हमारे पास बहुत सारी सेल्स होती हैं, ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स हमें पता है ना. सो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो लिम्फोसाइट सेल है, लिम्फोसाइट जो सेल है वाइट ब्लड सेल की, इट इज रिलेटेड विथ योर इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम या आप ये कह सकते हो डिफेंस मैकेनिज्म. सो जो लिम्फ है इट इज रिलेटेड विथ योर डिफेंस मैकेनिज्म, योर इम्यून सिस्टम. इस वजह से ही लार्जली ये लिम्फोसाइट कंटेन करता है. इट इज अ लिक्विड दैट रिजेंबल्स ब्लड प्लाज्मा. ये ब्लड प्लाज्मा की तरह दिखता है बट ये येलो एल्कलाइन नेचर का होता है. दैट इज लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट ही क्या बनाती है, लिम्फ बनाती है. ओके, सो लिम्फ के जो नोड्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में, लिम्फ नोड भी पाए जाते हैं. We do have lymph nodes in our body. So lymph node जहाँ पे भी होता है, that is the actual fighting place of our immune system to some like antigen या फिर कोई भी pathogen हमारी body में जिसने enter किया है. तो ये lymph node होते हैं, इनका भी एक network होता है, that is lymphatic system. उसे हम क्या कहते हैं, lymphatic system, right? अब serum क्या है, what is serum? So serum पढ़ लेते हैं, what is serum? So serum blood plasma from which fibrinogen and other clotting factors have been removed. जब आप plasma से fibrinogen एक तरीके की protein होती है and clotting factor आप remove कर देते हो, तो आपने notice क्या होगा कि जब भी आपको चोट लगती है तो थोड़े देर के बाद क्या होता है, bleeding रुक जाती है और वहाँ पे एक तरीके की क्या हो जाती है, वहाँ ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, धीरे धीरे वो हील होना शुरू होता है. सो वो क्यों होता है, वो फाइब्रिनोजन की वजह से होता है, वो डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड कोएगुलेट हो जाता है. ब्लड कोएगुलेट हो जाता है तो ब्लड फ्लो होना बंद होता है. एंड इट इज़ वन ऑफ द ऑसम मैकेनिज्म्स ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी कि ये क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की, है ना. जैसे ही आपको चोट लगी थोड़े टाइम तक ब्लड बहता है एंड देन फिर क्लॉट हो जाता है. सो जब आप ये फाइब्रिनोजन और ये क्लॉटिंग फैक्टर आपके ब्लड प्लाज्मा से रिमूव कर देंगे, ये कहाँ पे रहता है, ये रहता है ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है. जब आप ब्लड प्लाज्मा से ये फैक्टर्स रिमूव कर दोगे तो जो बच गया वो कहलाता है सीरम. ओके, जो बच गया वो कहलाता है सीरम. सो सीरम से जब आप, व्हेन यू विल माइनस सीरम, किससे माइनस करोगे, सीरम को माइनस करोगे फाइब्रिनोजन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स से, सो ब्लड सीरम बचेगा. ओके सॉरी, प्लाज्मा से, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन रिमूव करते हो, प्लाज्मा से माइनस करते हो फाइब्रिनोजन एंड क्लॉटिंग फैक्टर, तब जाके ब्लड सीरम बचता है. जो बच गया उसे हम कहते हैं सीरम. अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हमने पढ़ ली. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हार्ट बीट. हम ये कहते हैं ना कि ओ माय गॉड, जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, जब आप बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हो, तो आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है. व्हाट इज़ दैट हार्ट बीट? सो हार्ट बीट इज़ अ रिदमिक कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. इट इज़ अ रिदमिक कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. तो ये जो रिदमिक कॉन्सेंट्रेशन और रिलैक्सेशन हो रही है हार्ट की, इट इज़ 72 times per minute. सो एक मिनट में नॉर्मली आप नॉर्मल हो, एक्साइटेड नहीं हो, स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो, खुश नहीं हो, और कोई भी अदर इमोशन नहीं है जो कि आपके हार्ट बीट को अल्टर कर रहा है, तो इन अ नॉर्मल सिचुएशन वन पर्सन हैव 72 हार्ट बीट्स. और ये हार्ट बीट्स क्या है, इट इज़ कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट विच इंक्लूड्स सिस्टोल. सो सिस्टोल को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन फेज. तो जब हार्ट कॉन्सेंट्रेट होता है तब हम उसे कहते हैं सिस्टोल. जब हार्ट रिलैक्स होता है तो हम उसे कहते हैं डायस्टोल. तो आप ये कह सकते हो कि टोटल 72 टाइम्स सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है ह्यूमन हार्ट में. एंड इसीलिए हम कहते हैं कि जो हेल्दी पर्सन होता है, जो हेल्दी काउंट होता है हार्ट बीट का, वो होता है 72 टाइम्स. अब स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक इनपुट क्या है? सो स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक इनपुट हम जो हार्ट का सिस्टम है पढ़ने के बाद कवर अप करेंगे. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कार्डियक साइकिल इज. कार्डियक साइकिल क्या है, कार्डियक या कार्डियो या ये सारी चीज़ें जो रिलेटेड होती है वो आपके हार्ट से रिलेटेड होती है. सो जब मैं कह रही हूँ कार्डियक साइकिल, मतलब आपके हार्ट की साइकिल की बात हो रही है.
इट इज अगेन द रिदमिक कॉन्सेंट्रेशन एंड डायलेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द हार्ट इन वन बीट. सो एक हार्ट बीट में जो कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन का रिदम है उसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल. तो जैसे कि एक बार आपका हार्ट बीट होता है तो उस हार्ट बीट के होने में आपका एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, सो ये क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स अ सिस्टोल एंड डायस्टोल, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्ट मसल एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल. ठीक है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी हार्ट में, जब ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में फिल होता है, सो क्या होता है, आपका हार्ट क्या होता है, रिलैक्स होता है. ओके, सो रिलैक्स होगा. सो रिलैक्स होने का एक साइकिल, एक पार्ट कार्डियक साइकिल का एक पार्ट है. एंड कॉन्सेंट्रेट कब होगा, जब हार्ट पंप, हार्ट को पंप करना होता है ये ब्लड, तो पंप करने की वजह से सिस्टोल होता है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्ट. सो जैसे हार्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, जो ब्लड भरा हुआ है हार्ट में, इट गेट्स पंप्ड आउट. ठीक है, वो पंप होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाता है, एंड ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है बाकी और अदर टिश्यूज एंड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. सो एक सिस्टोल एक डायस्टोल मिलके बनाते हैं एक कार्डियक साइकिल. ठीक है, सो दिस इज योर कार्डियक साइकिल. अब